गाइस, आपने रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में या फिर सड़क के किनारे खाना तो खाया ही होगा। जहाँ रेस्टोरेंट में 150 से 150 रुपये का मिलता है, तो वहीं सड़क के किनारे 40 रुपये का, ये एक आम बात है, इसमें कुछ खास नहीं। पर क्या आप खाने का शौक रखते हैं और तरह तरह के फूड्स को खाना चाहते हैं और उनका लुत्फ उठाना चाहते हैं? तो आज मैं आपके लिए ऐसे फूड्स लाया हूँ जो आपकी ज़मीन जायदाद, घर, बंगला, बैंक बैलेंस का सफाया करवा सकते हैं और जिनको खाकर आप सिर्फ एक टाइम का ही पेट भर सकते हैं। लंडन्स बॉम्बे ब्रैसरी। लंदन में एक बॉम्बे ब्रैसरी नाम का एक रेस्टोरेंट है। वहाँ इस डिश को समुद्री खजारे के नाम से भी जाना जाता है। इस डिश को डेवोन कैकड़े, एबेलोन जो कि एक सीप है, बटेर के अंडे, वाइट ट्रिफल, कैवियर, सोने की पत्ती और एक सोने की पत्ती में लिपटी हुई झींगा मछली से बनाई जाती है। इस डिश को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की सफलता का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। और अगर आप इस डिश का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको $3200 यानी करीब ₹2,14,000 पे करने पड़ेंगे। फ्लेवर बर्गर 5000। गाइस, बर्गर तो हम सब ने बहुत खाए हैं। आमतौर पर हमने 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये तक के बर्गर खाए होंगे। ये है दुनिया के सबसे महंगा बर्गर। जी हाँ, जैसा इसका नाम वैसा इसका दाम। इसकी कीमत $5,000 यानी करीब ₹2,35,000 है। यह लॉस वेगस में शेफ ह्यूबर्ट कैली के रेस्टोरेंट फ्लोर में परोसा जाता है। इसे वागू बीफ पैटी, फोई ग्रास और ट्रफल से बनाया जाता है। और जब इसे परोसा जाता है तो 1995 की एक बेशकीमती वाइन की बोतल चैटो पेट्रेस, जिसकी कीमत $2,500 यानी करीब ₹1,67,000 है, इस बर्गर के साथ दी जाती है। लुइस 13 पिज्ज़ा। क्या आपको पिज्ज़ा पसंद है? अगर हाँ, तो ये पिज्ज़ा आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। यह है दुनिया के सबसे महंगा पिज्ज़ा। इसे इटली के शेफ रेनाटो वायोला की टीम द्वारा बनाया जाता है। इस पिज्ज़ा की कीमत $12,000 यानी करीब ₹8,00,000 है। इसे बनाने में 72 घंटे लगते हैं। इसे बनवाने के लिए पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। और जो इसकी टॉपिंग्स की जाती है उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के कैवियर जो कि मछली के अंडे होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं, बुफाला मोजरेला चीज़, लोबस्टर और ऑस्ट्रेलियन का गुलाबी समुद्री नमक शामिल है। फोर्ट्रेस स्टिल्ट फिशरमैन इंडुलगेंस डिजर्ट। यह एक मिठाई है जिसे 2007 में श्रीलंका में बनाया गया था। द फोर्ट्रेस एक श्रीलंका का लग्जरी होटल है जिसमें इस मिठाई को स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। इस मिठाई में एक इटालियन कसाटा होता है जिसमें सोने की पत्ती, आयरिश क्रीम, अनार और आम होते हैं। साथ में एक शैंपेन भी होती है। इसके अलावा इसमें एक मछुआरे की मूर्ति होती है जो एक स्टिल्ट पर बैठा हुआ होता है। उसके नीचे एक 80 कैरेट एक्वामरीन का पत्थर होता है और इसका प्राइस $14,500 यानी करीब ₹9,70,000 है। वाइट गोल्ड कैवियर। कैवियर का मतलब है मछली के नमकीन अंडे। ये काफ़ी महंगा होता है। वैसे तो उसका नाम स्टोरटार का वियांको है, पर इसे वाइट गोल्ड कैवियर से भी जाना जाता है। यह कैवियर साइबेरियन अल्बिनो स्टर्जन से प्राप्त होते हैं। इस मछली की फार्मिंग ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में वाल्टर ग्रुएल और उनके बेटे करते हैं। यहाँ अल्बिनो शब्द का मतलब है रंगहीनता और स्टर्जन का मतलब होता है मछलियों की प्रजाति। इस प्रकार की मछली बहुत रेयर होती है। जब मछलियों की फसल तैयार हो जाती है तब उनके कैवियर में 22 कैरेट खाने योग्य गोल्ड की पत्ती को छिड़का जाता है ताकि इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सके। और फिर इसे $1,13,630 में बेचा जाता है यानी करीब ₹76,13,000 में। और इसकी फसल तैयार होने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। शायद इसीलिए इतने महंगे होते हैं ये। स्ट्रॉबेरी अर्नोड। मानो न मानो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। न्यू ऑर्लियंस के फेमस अर्नोड के रेस्टोरेंट में एक मिठाई मिलती है जो $3.95 मिलियन यानी करीब 27,92,00,000 की है। यह डिश रेड वाइन, जिसकी बोतल $25,000 की आती है, मसाले और वनीला आइसक्रीम के साथ विशेष रूप से तैयार की जाती है। इसको 7.09 कैरेट पिंक डायमंड्स के रिंग के साथ सर्व करते हैं। गाइस, केक तो आपने बहुत से खाए होंगे, कुछ चॉकलेटी, कुछ वनीला, कुछ अंडे वाला तो कुछ बिना अंडे वाला। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ 75 मिलियन केक। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका दाम है, यानी कि 75 मिलियन का केक मतलब कि करीब ₹5,30,90,000। इसे ब्रिटिश की डिजाइनर डेबी विंगहम ने बनाया था।
यह केक 6 फुट लंबा एक फैशन शो रनवे है। इसका वेट 450 किलो है। इस केक को बनाने में 1100 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा था। इस केक के छोटे छोटे हिस्से को खाया जा सकता है। इसमें 4000 डायमंड्स लगे हैं, 5.2 कैरेट के पिंक डायमंड्स, 6.4 कैरेट के येलो डायमंड्स और 15 कैरेट के वाइट डायमंड्स शामिल हैं। इसके अलावा केक का रनवे 400 वाइट डायमंड्स 1 कैरेट के, 73 वाइट डायमंड्स 3 कैरेट के और 75 ब्लैक डायमंड्स 3 कैरेट के शामिल हैं। इसमें जो फ्लेवर डाले गए थे उसमें मस्कारापोन क्रीम और स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर के साथ मेडागास्कियन वनीला बीन शामिल है और इसके रनवे को ट्रिपल बेल्जियम चॉकलेट के साथ चॉकलेट गनाचे और चॉकलेट ट्रेफल क्रीम से बनाया गया है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो शेयर करना चाहते हो तो शेयर करो, न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।